वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 128 पार्ट 1 आई एम योर टीचर नौरीन अमीन। पेज 120 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। पेज 121 डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग arranging, analyzing and interpreting data to draw conclusions or answer questions. Data are pieces of information which are often numerical. Large amounts of data can be organized in frequency table. A frequency table shows the number of pieces of data that fall within given intervals. अब statistic होता क्या है? हमारे पास science of collecting है। केस में हम फर्स्ट डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा हमारे पास क्या होता है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, नंबर फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास इस डेटा में ही क्या, और इसके बाद फिर हम इसका क्या निकालते हैं, कंक्लूजन है इसका, फिर हम आंसर निकालते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक कहते हैं। लाइक अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें मंथली यूज़र्स, कि हमारे पास मंथली यूज़र कितने हैं, फेसबुक के, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब के हमारे पास मंथली यूज़र कितने हैं। तो हमने फर्स्ट क्या किया, हमने फर्स्ट डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसको क्या किया, फिर हमने इसको अरेंज फॉर्म में किया कि हमारे पास क्या, किस फॉर्म में हमारे पास गिवन, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमने इसको एनालाइज किया कि हमारे पास कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ हुआ है, लाइक फेसबुक हमारे पास इतना यूज़ हुआ है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हमारे पास, हमने इसके कितना यूज़ हुआ है, हमने वो अरेंज फॉर्म में लिख लिया। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम इसको स्टेटिस्टिक कहते हैं, कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं फर्स्ट, फिर इसको हम अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आखिर में हम इसका कंक्लूजन या फिर हम इसका आंसर निकालते हैं। पेज 122 Definition of frequency distribution. The group frequency table is a statistical method to organize and simplify a large set of data into a smaller groups. The main purpose of grouped frequency table is to find out how often each value occurred within each group of the entire data. Now, frequency hoti kya hai? Ki wo number jo hamare paas oftenly occurred ho, means bar bar repeated ho, so hum kya kehte hain, frequency kehte hain. अब फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, कि हमारे पास कोई भी डेटा गिवन होगा, डेटा आपको पता है क्या, कि हमारे पास पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर फॉर्म में होता है। तो हम उस नंबर्स में चेक करेंगे कि हमारे पास वो कौन सा नंबर है जो ऑफनली अकर हुआ, मीन्स बार बार रिपीट हुआ है, कितने टाइम रिपीट हुआ है। तो हम उसको फिर क्या कहेंगे, हमारे पास जितने टाइम रिपीट हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह बनाएंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप डेटा, वन इज़ डिस्क्रीट डेटा एंड द अदर वन इज़ कंटिन्यूस डेटा। नाउ डिस्क्रीट डेटा के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो डेटा में है उसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम डेटा को फर्स्ट अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, और इसको हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें सेकेंड स्टेप क्या होगा, कि हम रिकॉर्ड द वैल्यूज बाय यूजिंग टेली मार्क्स, वर्टिकल बार्स, हम इसके लिए ये वर्टिकल बार यूज़ करते हैं टेली मार्क के लिए। फिर हम करेंगे कि हमारे पास वो कौन सा नंबर को चेक करेंगे, कि हमारे पास वो नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ है, इसको हम काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद उसके हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स बनाएंगे। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास क्या है, 40 कस्टमर है, मीन्स हमारे पास 40 कस्टमर का डेटा मौजूद है, ये डेटा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस पर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट मिनिमम नंबर कौन सा है, तो इसमें मिनिमम नंबर हमारे पास क्या है, 6 है, और मैक्सिमम नंबर इज़ 11। अब हम फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे किस तरह, कि हम अब 6 चेक करेंगे कि इस डेटा में हमारे पास 6 कितने दफ़ा अखर हुआ है। सो हमारे पास अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 6 कितने टाइम रिपीट हुआ है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम अखर हुआ है। तो हम टेली मार्क्स किस तरह लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास टेली मार्क कितने होंगे, किसके 9 वर्टिकल बार हम लिखेंगे।
इसके बाद क्या है हमारे पास 7 है, तो हम 7 करेंगे. 7 कितने टाइम अकर हुआ है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइम अकर हुआ है. तो हम टेली मार्क किससे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट हमने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया, उसको हमने मिनिमम टू मैक्सिमम फॉर्म में लिख लिया नंबर्स को. उसके बाद हमने क्या किया, उसके टेली मार्क्स हमने फाइंड आउट कर लिए. अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम बाय यूजिंग टेली मार्क्स. अब फ्रीक्वेंसी हम किससे करेंगे, हम इन टेली मार्क्स को काउंट करेंगे कि जितना हमारे पास टाइम है हम वो टाइम लिखेंगे, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम. सो मीन्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 9, कि 6 हमारे पास 9 टाइम अकर हुआ है. इसी तरह 7, इसके टेली मार्क्स को हम काउंट करेंगे, जितने टाइम्स होगा हम वो लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी में, 10 टाइम्स है. सो मीन्स हमारे पास 7 क्या है, 10 टाइम अकर हुआ है. नाउ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, उसका सेकेंड टाइप इज कंटिन्यूस डेटा. कंटिन्यूस डेटा के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल. कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप उसमें क्या है कि वी विल फाइंड द रेंज. रेंज हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो डेटा में हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रेंज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. फाइंड आउट करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारे क्या होगा कि हम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाएंगे. मोस्ट हमारे पास क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेटा हैज़ बिटवीन 5 to 15 ग्रुप्स. हमारे पास ज़्यादातर डेटा के ग्रुप्स 5 और 15 के बीच में हम ग्रुप्स बनाते हैं. ग्रुप्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं कि डिटरमाइन द विड्थ नंबर ऑफ वैल्यूज पर ग्रुप, कि हर एक ग्रुप में हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, हम वो फाइंड आउट करते हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं. टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं, एक ग्रुप्स, डेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी. और इसी तरह हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाती है. पेज 128 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, क्लास लिमिट्स. एवरी क्लास हैज टू लिमिट्स, द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट. फॉर ईच क्लास टू लिमिट्स मे बी फिक्स्ड सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास फॉल्स ऑन द इंटीजर रदर देन अ फ्रैक्शन. नाउ क्लास लिमिट क्या होती है कि हम उसमें हमारे पास दो लिमिट्स होते हैं, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट. सो लाइक अगर हम यहाँ पर चेक करें इस एग्जांपल में, तो हमारे पास क्या है, क्लासेस लिमिट्स. इसमें जो 1 है ये क्या कहलाएगा, इसका अपर लिमिट कहलाएगा, और ये 4 क्या कहलाएगा, इसका लोअर लिमिट कहलाएगा. अब इन लिमिट से हम मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. मीन्स कि हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा. द मिड पॉइंट यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स और कॉल्ड क्लास मार्क्स. मिड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स भी कहते हैं. क्लास विड्थ, द क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स, लोअर क्लास लिमिट्स. इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म. क्लास बाउंड्रीज, फॉर कम्यूटिंग क्लास बाउंड्रीज द अपर लिमिट ऑफ द प्रोसीडिंग क्लास इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द फॉलोइंग क्लास एंड द डिफरेंस इज देन डिवाइडेड बाय 2. द क्वान्टिटी विच इज ऑब्टेन इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड एडेड टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास. अब क्लास बाउंड्री हम किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए इसमें हमारे पास जो अपर लिमिट है और जो लोअर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दूसरे क्लास लिमिट का, इनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. और डिवाइडेड बाय 2 से जो भी आंसर आएगा, हमारे पास यूजुअली 0.5 ही आता है आंसर. सो क्लास बाउंड्री हम किस तरह फाइंड करेंगे कि हम लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे एंड अपर क्लास लिमिट से के साथ हम 0.5 प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास बाउंड्री आ जाएगी. कैलकुलेटर के थ्रू हम मिड पॉइंट्स मीन्स क्लास मार्क्स और क्लास बाउंड्रीज किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है क्या कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. सो अब अगर हम यहाँ पर आ जाएँ, सो इसमें हमारे पास लोअर लिमिट इज़ 1 एंड अपर लिमिट इज़ 4. सो क्लास मार्क्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, 1 + 4 equals divided by 2. So इसके क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट क्या हो जाएगा,
2.5। इसी तरह अगर हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करें, क्लास बाउंड्री है कि हम हमारे पास यूजुअली होती क्या है कि हम 0.5 को अपर लोअर लिमिट से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अपर लिमिट के साथ क्या करते हैं, 0.5 को प्लस करते हैं। लाइक अब लोअर लिमिट इज़ 1, सो 1 से हम क्या माइनस करेंगे, 1 से माइनस करेंगे 0.5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4। सो हमारे पास देखिए अगर यहाँ पर तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगी 0.5। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, 4 अपर लिमिट के साथ प्लस करेंगे 0.5 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.5, और हमारे पास क्या हो जाएगा क्लास बाउंड्री में अपर लिमिट 4.5 हो जाएगा। सो कैलकुलेटर के थ्रू हम मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स इस तरह फाइंड करते हैं और क्लास बाउंड्रीज भी जिस तरह फाइंड करते हैं वो आपको बता दिए। एक्सरसाइज 6.1 पेज 128 टॉपिक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन रिलेटेड क्वेश्चंस आर एग्जांपल्स 1-6 क्वेश्चन 1-5 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 2-4। क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द 8 ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ क्विज विद 100 पॉइंट्स बाय टेकिंग 10 एज द क्लास इंटरवल इंडिकेट द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क्स। दिस इज द डेटा सॉल्यूशन। फर्स्ट अब इसमें हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। डेटा हमारे पास क्या है, 30 स्टूडेंट्स का गिवन है, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि क्लास इंटरवल हमारे पास क्या होना चाहिए 10, मीन्स हर एक लिमिट में हमारे पास 10 डिफरेंस होना चाहिए। और हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्री से इंडिकेट करनी है क्लास मार्क्स, जो अभी आपको क्लियर करवा दिया कि हम क्लास बाउंड्री किस तरह फाइंड करते हैं और क्लास मार्क्स किस तरह फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को बाय अरेंजिंग द गिवन डेटा इनटू असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 है, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 35। तो इसके लिए हम फाइंड क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। और रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि क्या है, ये लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो 90 माइनस 35 तो क्या हो जाएगा 55। और हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब हम नंबर्स ऑफ ग्रुप फाइंड करेंगे कि क्लास 10 क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ ग्रुप बनेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ क्लासेस और ग्रुप्स इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। रेंज हमारे पास क्या है, 55 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्या है, 10। जब हम 55 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 5.5, सो विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6। हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनेंगे, 6 क्लासेस बनेंगे। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल। टेबल में हम फर्स्ट फाइंड क्या करेंगे, क्लास लिमिट्स मींस ग्रुप्स फाइंड करेंगे। और क्लास लिमिट आपको पढ़ा दिया वो क्या है कि हमारे पास 2 लिमिट्स होते हैं, इसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब हमारे पास इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 35, तो हम क्या करेंगे, या तो हम 35 भी ले सकते हैं या फिर हम 35 से एक कम लेंगे मींस 34। और अब क्या करेंगे, हमने क्लास इंटरवल हमारे पास है क्या, 10 है, तो हम क्या करेंगे 34-43 हम एक ग्रुप ले लेंगे, मींस 34 से लेकर 43 तक जितने नंबर्स भी आएंगे हम क्या करेंगे इस ग्रुप में लिखेंगे। इसी तरह फिर 44-53 हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे 44 से लेकर 53 तक हम सारे वो क्या करेंगे इस लिमिट क्लास लिमिट में लिखेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास होगी क्या। इस तरह हम सारे कर देंगे ग्रुप लिमिट्स क्लास लिमिट कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 34-43 मीन्स 34 से लेकर 43 तक जितने भी नंबर्स है वो हमारे पास इस ग्रुप्स में आएंगे। सो 34-43 सो देखिए एक हमारे पास क्या है 35, 40 ये नहीं आता, 2 हो गए हैं, बाकी कोई भी नंबर हमारे पास 34-43 नहीं आता, तो हमारे पास टेली की मार्क क्या हो जाएगा, हम 2 वर्टिकल बार्स इस तरह कंस्ट्रक्ट कर देंगे। इसी तरह 44 और 53 में हमारे पास कितने आते हैं, 1-4 जस्ट हमारे पास 4 आते हैं नंबर, सो 4 वर्टिकल बार्स हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे 1-4। इसी तरह हम सारे ग्रुप्स नंबर्स को चेक करते जाएंगे, उसकी टेली मार्क्स लिखते जाएंगे। सो हमारे पास अब इसमें क्या है, 2 वर्टिकल बार्स है, सो हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2
वन टू थ्री फोर तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी फोर, इसी तरह वन टू थ्री फोर फाइव इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी फाइव, उसी तरह हम रिमेनिंग क्लास लिमिट्स की भी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर देंगे। ये क्या है समेशन एफ, व्हाट इज समेशन, कि हम इसको सम करेंगे कि हमारे पास जितनी भी फ्रिक्वेंसी है उसको हम प्लस करेंगे, तो इन तमाम फ्रिक्वेंसी को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30। अब क्लास बाउंड्रीज, आपको पढ़ा था क्लास बाउंड्री हम किस तरह फाइंड करते हैं, कि हम लोअर लिमिट से माइनस करते हैं 0.5 और अपर लिमिट के साथ 0.5 को क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज हम फाइंड किस तरह करेंगे, फॉर फर्स्ट लिमिट, अब लोअर लिमिट से हम 34 से हम क्या माइनस करेंगे, 34 से हम माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी 33.5। अब हमने इस अपर लिमिट के साथ क्या प्लस करना है, अपर लिमिट के साथ हम प्लस करेंगे 43 प्लस 0.5, तो अपर बाउंड्री हमारे पास क्या हो जाएगी 43.5। इसी तरह हम अब 44 से हम क्या माइनस करेंगे, 44 से हम माइनस करेंगे 44 माइनस 0.5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 43.5। अब 53 के साथ हम क्या करेंगे, 53 के साथ प्लस करेंगे 0.5 तो क्या आ जाएगा 53.5। उसी तरह हम रिमेनिंग लिमिट्स के लिए भी क्या फाइंड कर देंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर देंगे। अब लास्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स हम किस तरह फाइंड करते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास इसमें लोअर लिमिट क्या है 34 एंड अपर लिमिट इज 43, सो 34 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास क्लास लिमिट क्या हो जाएगा 38.5। इसी तरह अगर हम दूसरा फाइंड करें 44 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास दूसरा लिमिट क्या हो, क्लास मार्क क्या हो जाएगा 48.5। उसी तरह हम रिमेनिंग लिमिट्स भी फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर वन में हमें डेटा क्या गिवन था, कि हमने डेटा गिवन तो हमने उससे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी थी 30 स्टूडेंट्स के लिए, और इसके बाद हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन था कि हमारे पास हर एक क्लास लिमिट में 10 इंटरवल होना चाहिए, और इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी थी उसके लिए, और क्लास मार्क जो आपको हमने सिखा दी। क्वेश्चन नंबर टू, फॉलोइंग आर द मिस्टेक्स मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ टेस्ट ऑफ एसे राइटिंग यूजिंग एन एप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड दिस इज द डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, और ऑल्सो हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल को हमने इंडिकेट करना, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। सो रेंज के लिए हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 24 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 3। रेंज क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो 24 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 21। लेट द साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 4। अब इस पर हमने क्या किया कि हर एक क्लास लिमिट में हमारे पास 4 इंटरवल, 4 लिमिट्स का गैप है, सो क्लास इंटरवल हमने खुद से इंडिकेट किया, हमने 4 ले लिया है। अब हम नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड करेंगे, हमारे पास कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, सो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ग्रुप्स विल बी, फार्मूला क्या है कि रेंज डिवाइडेड बाई क्लास साइज या मीन्स क्लास इंटरवल। सो रेंज हमारे पास 21 है डिवाइडेड बाई क्लास साइज, मीन्स हमारे पास हर एक क्लास में हर एक लिमिट में 4 साइज के गैप होने चाहिए, सो डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर क्या आ जाएगा 5.25, सो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6। सो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी तरह टेबल बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा क्लास लिमिट, और क्लास लिमिट हमारे पास क्या था, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 थी, तो हम इसे क्या करेंगे, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। तो हम क्या किया, 1 to 4 हमने 1 लिमिट लिया क्लास लिमिट, 5 to 8 अनदर लिमिट। अगर देखिए अब क्लास इंटरवल हमने कितना लिया था, 4 लिया था, सो 5 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, इसी तरह 9 - 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो मीन्स हर एक क्लास लिमिट में हमारे पास क्या है, 4 इंटरवल, क्लास इंटरवल का गैप है। अब हम टेली मार्क्स के हमारे पास 1 से लेकर 4 तक इस लिमिट में हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे उसके हम टेली मार्क्स लिखेंगे। सो 1 से लेकर 4 तक, सो हमारे पास इसमें क्या आते हैं 3 and 4, जस्ट ये 2 लिमिट्स आते हैं, सो इसका टेली क्या हो जाएगा, हम 2 वर्टिकल बार्स की टेली में, टेली मार्क्स में लिख लेंगे। इसी तरह हम रिमेनिंग क्लास लिमिट्स के लिए भी टेली मार्क्स फाइंड आउट कर देंगे। अब फ्रिक्वेंसी क्या होगी,
वन टू, सो हमारे पास वन से लेकर फोर तक हमारे पास जो क्लासिकल मैट्रिक्स में हमारे पास इसकी टू फ्रिक्वेंसी है, फाइव टू एट हमारे पास फ्रिक्वेंसी इज सिक्स। अब हम क्या करेंगे, इस ऑल फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। समेशन एफ इक्वल्स टू हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। अब क्लास बाउंड्रीज आपको मैंने बता दी कि सर फाइंड करेंगे, सो क्लास बाउंड्री हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट से हम 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट के साथ 0.5 प्लस करते हैं। सो 1 माइनस 0.5, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा लोअर लिमिट। इसी तरह 4 प्लस 0.5, सो हमारे पास अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 4.5। और इसी तरह हम रिमेनिंग क्लास लिमिट्स के लिए भी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। This is the end of exercise 6.1, part 1. We have done question number 1 and 2 with introduction and related examples. Remaining questions will be solved in part 2. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.